हेलो भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं तीन ट्रेलर के बारे में। पहला है फास्ट एक्स, दूसरा गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और तीसरा दी फ्लैश। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्ट एक्स के ट्रेलर के बारे में। तुम लोग का तो नहीं पता बट मैं इस फ्रेंचाइजी का काफी बड़ा वाला फैन हूँ और मैं इसके 10th पार्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तो चलो अब इसके ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग को देखते ही ये समझ में आ जाता है कि स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होने वाली है जहां पे एंड हुई थी। और इस बार कोई बंदा है जो कि अपने टोरेटो की फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। बंदा टोरेटो को डर का एहसास कराना चाहता है। तो टोरेटो अपने फैमिली को कैसे बचाएगा इस मूवी में हम लोग को देखने को मिलेगा। और इसमें विलन का रोल अपने एक्वामैन मतलब जेसन मोमोवा निभाने वाले हैं। अब ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर बहुत मस्त लगा, हमें फुल ऑन एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम लोगों को कैसा लगा फास्ट एक्स का ट्रेलर कमेंट में बताओ। तो अब बात करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर के बारे में। सच बताऊं तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, पर ट्रेलर देखने के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया है। ट्रेलर सीरियस भी था और इसमें हमें कॉमेडी भी देखने को मिला। और साथ ही साथ ट्रेलर देख के लग रहा है कि अब गार्डियंस के मेंबर बहुत ज्यादा सीरियस और मैच्योर हो गए हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अच्छा था, लेकिन अब वॉल्यूम 3 एकदम खतरनाक होने वाला है। सो थैंक्स टू जेम्स गन भैया। ये मूवी हम लोग को हंसाने वाले भी है और रुलाने वाले भी है, एंड भरपूर एक्शन भी देखने को मिलेगा, मतलब फुल ऑन मजा होने वाला है। इसका मतलब है मार्वल ने जो फेस 4 में दुख दर्द दिया था वो सब अब रिकवर होने वाला है, तो मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। तो अब बात करते हैं लास्ट ट्रेलर के बारे में, मतलब दी फ्लैश के बारे में। इसके लिए डीसी के फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे, लेकिन डीसी वाले बार बार इसे पोस्टपोन कर दे रहे थे, लेकिन फाइनली अब हम लोग को इसका ट्रेलर देखने को मिला है जो कि सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसमें टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स, अपना क्लासिक बैटमैन और सुपर गर्ल भी दिखने वाली है। ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि डीसी अब कमबैक करने वाला है। तो अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि इन तीनों ट्रेलर में कौन सा ट्रेलर तुम्हें ज्यादा पसंद आया है। सो वीडियो को एंड करते हैं, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कर